अगस्त 2024 का पहला रिलीज होने वाला के ड्रामा है बैड मेमोरी इरेजर, जिसका पहला एपिसोड विकी ऐप पे 2 अगस्त को रिलीज हो चुका है। ये 16 एपिसोड का ड्रामा आप कोरियन लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस ड्रामा के पहले 2 एपिसोड्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ के ड्रामा बैड मेमोरी इरेजर। इस ड्रामा की कहानी स्टार्ट होती है 2007 से, जहां हमारा मेल लीड ली गुन 13 साल का है और टेनिस जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेल रहा है। प्रॉमिसिंग टेनिस प्लेयर ली गुन ये मैच जीतकर जूनियर वर्ल्ड चैंपियन तो बन जाता है, पर उसी मैच के अंत में उसका राइट हैंड बुरी तरीके से इंजर हो जाता है और ये ली गुन की लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन जाती है। यहाँ से हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ 28 साल का ली गुन सोचता है कि अगर इस बुरी याद को वो पूरी तरीके से भूल पाता तो उसकी लाइफ आज इतनी मिजरेबल ना होती। ये इंजरी ली गुन को सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है और इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाता है। ली गुन की इस हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स भी होते हैं, जो ली गुन की इंजरी के बाद इमीडिएटली अपने छोटे बेटे ली शिन को ली गुन की जगह पर एक वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर बनाना चाहते हैं, और इसीलिए वो ली गुन को अकेले अपने दादी के पास छोड़ के ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाते हैं। प्रेजेंट में ली शिन वर्ल्ड का बेस्ट टेनिस प्लेयर बन चुका है और ली गुन अपने छोटे भाई के मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है। वहीं इस ड्रामा की फीमेल लीड किंग जो योन एक साइकेट्रिस्ट है, जो बुरी याद या फिर कोई ट्रॉमा पूरी तरीके से मेमोरी से इरेज किए जाने पर रिसर्च कर रही है। डॉक्टर किंग जो योन का रिसर्च फिलहाल एक लैब रैट पे चल रहा है। किंग जो योन और ली गुन पहली बार एक फ्लाइट पे मिलते हैं और इस छोटी सी मुलाकात में किंग जो योन को ली गुन का बिहेवियर देख के पता चलता है कि वो लो सेल्फ एस्टीम और इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा है। ली गुन की प्रेजेंट लाइफ बहुत ही मिजरेबल होती है, जहां वो अभी तक अपने पास्ट में ही अटका हुआ है। ली गुन सोचता है कि अगर कोई उसकी बुरी यादों को कम्प्लीटली इरेज कर दे तो वो उस इंसान के लिए अपनी जान भी दे सकता है। ली गुन का लो सेल्फ एस्टीम, पेरेंट्स का उसकी तरफ इग्नोरेंस और ली शिन की एजेंसी के सीईओ से बार बार होने वाला ली गुन का इंसल्ट, ये सब पाइल अप हो जाता है और फाइनली इस सब की वजह से ली गुन सुसाइड अटेम्प्ट करता है। जब ली गुन को हॉस्पिटलाइज किया जाता है तब उसके सर पे एक गहरी चोट लग जाती है। सर्जरी के दौरान उसका भाई ली शिन साइकेट्रिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि ली गुन पे बैड मेमोरी इरेजर रिसर्च का एक्सपेरिमेंट किया जाए, जिसकी वजह से अब ली गुन इस एक्सपेरिमेंट का पहला ह्यूमन सब्जेक्ट बन जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को ली गुन पे आजमाने के बाद डॉक्टर किंग जो योन उसे क्लोजली ऑब्जर्व करती है। एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ एरर की वजह से ली गुन की मेमोरी थोड़ी सी मैनिपुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो योन को अपना पहला प्यार समझ बैठता है। अब इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए किंग जो योन ली गुन का पहला प्यार बनने का नाटक करने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही सेकेंड एपिसोड एक ऐसे नोट पे खत्म होता है जहां ली गुन के भाई ली शिन पे बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। बैड मेमोरी इरेजर एक मीडियोकर फैंटेसी रोमकॉम ड्रामा है, जिसकी अब तक की कहानी तो इंटरेस्टिंग लग रही है, पर इसके डायनामिक्स आगे कैसे चेंज होते हैं ये देखना जरूरी है। सो इस ड्रामा के और स्पॉयलर्स देखकर मैं आपकी क्यूरियोसिटी ना स्पॉइल करते हुए इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। आप कमेंट करके इस ड्रामा के बारे में अपने व्यूज जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।